हाय फ्रेंड्स, माणिमेकर में आपको भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले जस्ट डायल लिमिटेड के बारे में, जो सर्च इंजन प्रोवाइड करता है। इसी के बिजनेस सेगमेंट के ऊपर इसका बिजनेस टिका हुआ है। ट्रैफिक तो इसके पास है ही दोस्तों, 780 पे ट्रेड कर रहे हैं, 2.82% नीचे है। अभी बेस्ट टाइम है एंट्री का, क्योंकि RSI जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो कम है। मनी फ्लो इंडेक्स इसका 70 ओवरबोर्ड जोन में है नहीं, तो ओवरबोर्ड जोन के नीचे है, मतलब 65 के आसपास है। और पी रेशियो देख सकते हो AGM लिस्ट में है नहीं, 19 है, जो सेक्टर पी 131 है। तो पी यहाँ बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि मार्केट कैप इसका उतना ज़्यादा नहीं है। इंडिया मार्ट के साथ इसका कंपेयर किया जाए तो ये छोटा सा बच्चा है इंडिया मार्ट के पास, लेकिन इसके पास ट्रैफिक इंजन है। और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, उसी का फ़ायदा लेते हुए GD मार्ट जो न्यू ब्रांड शुरू किया है, ये भी ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है और डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम इंडिया मार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इंडिया मार्ट अपना सेगमेंट पे लीडर है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा प्रोडक्ट है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा नए नए स्कीम है जो ये प्रोवाइड, अभी तक ये इनिशिएटिव लिया है 2020 में, ये इनिशिएटिव लिया है, तो उस हिसाब से एक्सपेंड नहीं किया है। म्यूचुअल फंड ने अपना 4.97% डिक्रीज़ किया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1.27% प्रोमोटर खुद खरीद लिया है, बायबैक ऑफर दिया है और प्रोमोटर ने खुद खरीद लिया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि जस्ट डायल में आपका प्रोमोटर और फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो FII है, भर भर के माल उठा रहा है। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनके पास स्टैक बढ़ाने की बात कर रहा था दोस्तों। 21% ROCE देख सकते हो, ROE 17 और 5000 करोड़ के आसपास आपका मार्केट कैप है। देखो पैटर्न कौन सा बनाया है, ये देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी ये 300 के नीचे एक बार पैटर्न बनाया, फिर हाई गया, मतलब दुगना कर दिया 600, फिर एक बार पैटर्न कंसोलिडेट हुआ, फिर पैटर्न बनाया तो कर दिया है एकदम 900। तो अभी ये पैटर्न बना रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, फिर 1200 में जाएगा। लेकिन आपका 990 बहुत जल्द आपको अचीव हो जाएगा टारगेट जून फर्स्ट वीक में। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, इसका आपका बैलेंस शीट में मैं एविडेंस दिखाऊंगा कि देखो कैसे डेप्थ फ्री हो गया कंपनी और कैसे हो रहा है। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, वेल मैनेजमेंट है और फ्यूचर डेवलपमेंट और ओरिएंटेशनल बेसिस आपका कोर पोर्टफोलियो स्टॉक बन चुका है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 38 का है, देखो इंटरेस्ट रेट 2 हो गया, मतलब पहले 3 था सेप्टेम्बर क्वार्टर में, अभी 2 हो गया। अभी इंटरेस्ट रेट फिर से देखो 9 से 8 हो गया, जो लेटेस्ट है 8 करोड़ हो गया। तो ये धीरे धीरे और कम हो रहा है दोस्तों, ऑलमोस्ट डेथ फ्री है। नेट प्रॉफिट देखो बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा तो नेट प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ये सीधी सी बात है। CAGR 1 ईयर का 125% निकल गया, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का है, ग्रोथ 3 ईयर में 10% का ग्रोथ दिया है, ROCE मेंटेन किया है, हेल्दी ROCE मेंटेन किया है 22%। और ऑनलाइन बेसिस काम जितना भी अभी ज़्यादा होगा ना, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, लॉकडाउन हो, पेंडेमिक हो, कुछ भी हो, ये स्टॉक बंद नहीं होने वाला दोस्तों, ये ग्रीन में ही रहेगा हमेशा। भले ही सडनली अगर पूरा ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन होगा नहीं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का हालत अभी बहुत ख़राब है, लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अगर लॉकडाउन हो जाए ना दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है इसी के द्वारा आपका कनेक्टिविटी रहेगा, इसी के द्वारा आप कनेक्ट करोगे, इसी के डिवाइस ऑनलाइन ट्रैफिक ही सर्च करोगे, डॉक्टर सर्च करोगे फिर भी ऑनलाइन करोगे तो इसी के सर्च इंजन में जाना पड़ेगा, कोई शॉप सर्च करोगे फिर भी इसी के सर्च इंजन में जाना पड़ेगा, कोई आप दुकान खरीद रहे हो, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, किसी डॉक्टर को चाहिए, कोई ट्रैफिक पुल, कहीं पे भी कुछ भी करना है तो सर्च इंजन थ्रू इसी का बिजनेस चलने वाला है। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड और कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, जैसे मैंने बना था कि देखो इन्वेस्टर कल भी एक दिन पहले भी आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करके अपना पोजीशन